एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम नेहा नारन तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आज जो है हम क्लास ट्वेल्थ सीबीएसई बोर्ड के अनुसार जो हमारे यूनिट्स है फर्स्ट यूनिट जिसमें सारे डेफिनेशंस हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल सिलेबस की बात कर रही हूँ मैं जिसका कोड ज़ीरो है तो इसमें जो आपकी फर्स्ट यूनिट है इसके जो हम सेकेंड डेफिनेशंस के जो है एम करने जा रहे हैं फर्स्ट यूनिट के एम फर्स्ट डेफिनेशंस के हमने अलंकार के सभी कर लिए थे अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे कर्ण की तो किसी भी मूल स्वर का उच्चारण करते समय उसके आगे या पीछे के स्वर को स्पर्श करना कहलाता है अलंकार मेन कर्ण या फिर इनमें से कोई भी नहीं तो किसी भी मूल स्वर का उच्चारण करते समय उसके आगे या पीछे वाले स्वर को छूना या हल्का सा छूना या आपके सामने तनिक छूना आ जाए तभी आपके वो डेफिनेशन किसकी है कर्ण की है तो कर्ण स्वर के कितने प्रकार होते हैं चार तीन दो या फिर आठ तो कर्ण स्वर के दो प्रकार होते हैं आपके पूर्व लगन कर्ण और अनुलगन कर्ण नेक्स्ट डेफिनेशन है कर्ण स्वर को कहते हैं अलंकार मीण स्पर्श स्वर या फिर पलटा तो कर्ण स्वर को स्पर्श स्वर कहा जाता है क्योंकि इसमें स्वरों को हल्का सा स्पर्श किया जाता है किसी भी मूल स्वर का उच्चारण करते समय अगर उसके पहले वाले स्वर को स्पर्श करे तो वह आपका कौन सा होगा अलंकार मीण पूर्व लगन कर्ण या फिर अनुलगन कर्ण तो किसी भी मूल स्वर का उच्चारण करते समय अगर पहले वाला स्वर होगा तो नाम से क्लियर है पूर्व लगन कर्ण पूर्व का मतलब क्या होता है पहले वाला ठीक है इसमें क्या होता है फॉर एग्जाम्पल मुझे म स्वर पे कर्ण देना है और ग स्वर का देना है तो ग स्वर म स्वर से पहले आ जाएगा म आपका क्या है मूल स्वर इससे पहले वाले स्वर पे आपको क्या देना है कर्ण देना है तो आपका कर्ण स्वर ग कहलाएगा बेसिकली जिस स्वर को स्पर्श करना होता है वो आपका कर्ण स्वर होता है किसी भी मूल स्वर का उच्चारण करते समय उसके बाद वाले स्वर को, को स्पर्श करना अलंकार मेण पूर्व लगन कर या फिर अनुलगन कर्ण तो आपका कहलाता है अनुलगन कर अनु का मतलब होता है बाद में इसमें कैसे हम स्वरों को स्पर्श करेंगे फॉर एग्जाम्पल म को ही गाना है लेकिन इसके बाद वाला ब बा, बाद में स्वर होता है प ठीक है तो प स्वर को स्पर्श करना इस तरीके से लिखा जाएगा आपके राइट साइड लिखा जाएगा कर्ण कर्ण प्रकार है अलंकार का मेढ का गमक का या फिर खटका का जो आपके सारी डेफिनेशन है लगभग ये आपकी गमक की ही प्रकारों में एक थी क्योंकि प्राचीन काल में गमक का प्रयोग होता था और आधुनिक काल में क्या हुआ इनका नया नया नामों से हम इनको जो है प्रकारों को यूज करने लगे बेसिकली गमक को प्रयोग ना करके उनके जो प्रकार थे उनको नए नाम दे दिए गए अब हमें कर्ण स्वर पहचानना है ऑप्शन में आपको राइट कर रही हूँ तो आपको पहचानना है कि कर्ण स्वर कौन सा है इसमें तो देखिए पहले में आपको क्या है सामा के ऊपर ऐसे चंद्राकार लगा हुआ है नहीं है क्योंकि ये मेढ है प के बीच ब्रैकेट है ये खटका है आपका तो ये ऑप्शन भी नहीं है ग तीन स्वरों को द्रुत गति में गाया बजाया जा रहा है तो आपका ये भी नहीं है और गामा ये कर्ण है आपका मूल स्वर के लेफ्ट या राइट साइड आपका लिखा हो तो आपका कर्ण स्वर होता है कर्ण स्वर किस गमक का प्रकार है आहत प्लावित लीन या फिर कुरूला तो कर्ण स्वर जो है आपका एक आहत गमक का प्रकार है ठीक है तो आपकी इतने ही कर्ण कण की जो है डेफिनेशन थी आ, तो हमने अलंकार की कर ली अलग से कण की कर ली नेक्स्ट डेफिनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे